हेलो फ्रेंड्स, सब स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में वाल मिक्सर और शावर की फिटिंग में। तो देखिए, हम इस वीडियो में वाल मिक्सर की फिटिंग किस तरह से करते हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्लम्बिंग एंड सील वर्क चैनल में। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे वाल मिक्सर के पॉइंट है। ये एक गर्म का है, एक ठंडे पानी का है और एक शावर में जाने वाला। और ये देखिए, हमने यहाँ पे वाल मिक्सर का जो पूरा सेटअप है यहाँ पे निकल लिया है, उसको क्या लगता है फिटिंग करने के लिए। उसके बाद जो हमारा एक्स निप्पल है, जेड निप्पल, जिसका हम जेड निप्पल कहते हैं, हर जगह पे उसको अलग अलग नाम है, जो जिसकी इसके हिसाब से उसको नाम देता है। तो हम उसको पहले टेपलन टेप लगा के जो हमारा वाल मिक्सर का माप है उस माप में हम उसको सेट करेंगे। वाल मिक्सर का सेंटर निकालने का दोस्तों, ताकि ये वाल मिक्सर का सेंटर निकालेंगे तो हमको फिटिंग करने में बहुत आसान जाता है। पहले उसका सेंटर निकाल के उसको चेक करना है हमें कि हमारा वाल मिक्सर बैठता है कि नहीं। सेंटर निकल के चेक करने के बाद ये हमको यहाँ पे प्लेन उसकी जो है वो लगा देनी है। ये प्लेन लगाने के बाद दोस्तों, हम जो शावर का पाइप जाता है उसका भी मेजरमेंट ले लेंगे। ये जो साइड साइड में टाइल्स का जो गैप दिख रहा है दोस्तों, ये टाइल कटिंग में उसने थोड़ा एक साइड में थोड़ा ज़्यादा ही कट कर दिया था, उतना ही उसका गैप देख रहा है। उसमें हमको वाइट सीमेंट भर देना पड़ेगा। वाइट सीमेंट भर दिया तो वो अच्छा देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे शावर का पाइप का मेजरमेंट ले लेता हूँ और उसके हिसाब से उसको कटिंग करके शावर का वाल मिक्सर हम उसको फिटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ये वाल मिक्सर का पूरा सेटअप हो चुका है सेंटर में। तो वाल मिक्सर के जो नट है उसको हम हमारे जो मन की पकड़ उससे टाइट करेंगे। तो वाल मिक्सर को जब टाइट करेंगे दोस्तों, तो उसका एक ही साइड में पूरा टाइट नहीं करना है, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा टाइट करना है, ताकि वो हर जगह से सेम साइज़ में पीछे पीछे दीवार की तरफ जाना चाहिए। अगर आप एक ही साइड में उसको पूरा टाइट करोगे तो वो एक साइड में उधर से उसका थ्रेड आगे नहीं जाएंगी, वहाँ पर वो लॉक हो जाएगा। तो बोथ साइड पर ऐसे होता है, ताकि कोई प्लम्बर भाई रहता है वो कभी नया रहता है तो उसको इसके बारे में मालूम नहीं रहती, तो वो वाल मिक्सर लगाने में उसको थोड़ी बहुत परेशानी होती है। तो उसमें ऐसा करना दोस्तों कि इस तरह से आप उसका सेटअप करोगे तो आपको वाल मिक्सर लगाने में बहुत आसान रहता है। ताकि हमने सिर्फ इसको हमको थोड़ा टाइम लगा है बिठाने के लिए, क्योंकि उसको भी सेट करके चेक करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आप पानी की टेस्टिंग का वाल भी चालू कर दिया है और आप वाल मिक्सर की टेस्टिंग करेंगे। ये शावर में से भी पानी आ रहा है,